बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पुष्प गुच्छ स्थित होता है। पुष्प का आसन मतलब पुष्पासन। पुष्पासन पर क्या लगा रहता है? पहले लगा रहता है कैलिक्स। क्या होता है? कैलिक्स। कैलिक्स को हम बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। बाह्य दल। और बाह्य दल का जो कलर होता है कैसा होता है? कैसा होता है? हरा। और यहाँ पे जो लगा रहता है कैलिक्स के ऊपर स्थित होता है उसको बोलते हैं करोला। क्या बोलते हैं? करोला। करोला का हिंदी बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं? दल। एक कैसा होता है? रंगीन। कैसा होता है? रंगीन। ठीक है। अब यहाँ पर जो होता है फूल का बीच वाला भाग जो बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग जयान। क्या बोलते हैं? जयान। क्या बोलते हैं इसको? जयान। जयान को हम इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोसियम। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। और इसी गाइनोसियम पर लगा रहता है क्या? ये किसका है? गुड़हल का। किसका है? गुड़हल का। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग भाई? उमंग। क्या बोलते हैं? उमंग। उमंग। क्या बोलते हैं? उमंग। ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये हो गया हमारा डंठल, ये हो गया पुष्पासन, ये हो गया बाह्य दल, ये हो गया जयांग और ये हो गया उमंग। ठीक है। बाह्य दल जो होता है हरा रंग का होता है और जो दल होता है किसको कहते हैं? रंगीन। ठीक है। अब देखना यहाँ पर जो जयांग होता है उसको हम बोलते हैं, जयांग को क्या बोलते हैं जी? फीमेल। क्या बोलते हैं? फीमेल। और ये जो होता है क्या होता है? मेल पार्ट। क्या पार्ट होता है? मेल पार्ट। तो मेल पार्ट का कौन होता है? उमंग। अब फीमेल पार्ट का कौन होता है? जयांग। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो जयांग है इसके कितने भाग होते हैं? तो पहला भाग जो होता है नीचे वाले भाग को बोलते हैं क्या? अंडाशय। क्या बोलेंगे? अंडाशय। अंग्रेजी में बोलते हैं ओरी। क्या बोलते हैं? ओरी। ठीक है। क्या बोलते हैं? ओरी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? ओरी। अब जो होता है ये जो भाग होता है लंबा वाला जो भाग दिख रहा है जयांग का, ये नीचे हो गया अंडाशय, ये हो गया इसको क्या बोलते हैं? वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और इंग्लिश में नाम है स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। ठीक है। और इसके ऊपर जो लगा रहता है ऐसे ऐसे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। ये क्या हो गया? वर्तिकाग्र। तो हमारा जो जयांग होता है कितने भाग है उसके? तीन भाग। कौन कौन से भाग पढ़े पहले? अंडाशय। अंडाशय जो होता है नीचे स्थित होता है, इसके बाद आता है वर्तिका। क्या आता है? वर्तिका। और इसके बाद जो आता है वर्तिका के ऊपर स्थित होता है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। आया? हाँ। अब आते हैं उमंग के बारे में। किसके बारे में आते हैं? उमंग के बारे में आते हैं। तो उमंग जो होता है, उमंग के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। ये जो उमंग होता है, उमंग ये जो ऊपर वाला भाग होता है इस भाग को बोलते हैं पराग कोष। क्या बोलेंगे? पराग कोष। पराग कोष। इंग्लिश में बोलते हैं एंथरलोब। क्या बोलते हैं? एंथरलोब। और जिस पराग कोष जिस डंडे से लगा होता है उसको बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। ये क्या है? तंतु। और इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। तब यहाँ पर देखेंगे जो उमंग होता है मतलब मेल पार्ट है ना, फूल में कौन सा पार्ट होता है? मेल पार्ट। मेल पार्ट होता है इसके कितने भाग हैं? दो। कौन कौन से? पराग कोष
और तंतु और तंतु आया। तो यहाँ पर जो पुष्प होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक जयांग मतलब फीमेल पार्ट, लावल दिन फीमेल पार्ट। तो पुष्प क्या होता है भाई, दो होते हैं पुष्प में, मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है, इसलिए पुष्प कैसा होता है, द्विलिंगी। कैसा होता है, द्विलिंगी, लिंगी, ठीक है। अब इसमें से पुष्प कैसा होता है, द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। तब यहाँ पर अब एक लिंगी कैसे बनाएंगे, मान लो हम फूल से कुमंग को हटा दिए तो बचा क्या, जयांग, तो हो गया एक लिंगी। मान लो पुष्प से जयांग को हटा दिए, बचा क्या, कुमंग, तो बच गया क्या, एक लिंगी। अगर दोनों में से एक को हटा देंगे तो पुष्प कैसा व्यवहार करता है, एक लिंगी, और दोनों एक साथ रहेगा तो कैसा व्यवहार करता है, द्विलिंगी। यही होता है जो जयांग और कुमंग होता है, यही जो होता है पुष्प का प्रजनन अंग। क्या होता है, पुष्प का प्रजनन अंग, आया। इसे बोलते हैं हम पुष्प का प्रजनन क्रिया। अब पुष्प का प्रजनन क्रिया कैसे होता है, क्या होता है, ये जो एंथर होता है पराग कोष होता है, ठीक है, ये इसके ऊपर हवा के माध्यम से, चिड़िया के माध्यम से, किसके ऊपर, वर्तिकाग्र के ऊपर आ जाता है, चिपक जाता है। इसे जैसे ही चिपकता है तो यहाँ पर क्या होता है, पराग नली, क्या बोलते हैं इसको, पराग नली। इसी पराग नली से होकर पुष्प कहाँ आता है, अंडाशय में। ये जो एंथर होता है, पराग कोष होता है, वह पराग नली से होते हुए कहाँ आता है, अंडाशय में। अंडाशय में फिर उसका क्या बनता है, बीज। अंडाशय में क्या बनता है, बीज या फल, क्या बोलेंगे, फल। तो फिर क्या बनता है, फल। पहले क्या बनेगा, फल। फल कैसे बनेगा, फल कैसे बनेगा, फल बनने के लिए क्या होता है, ये जो पराग कोष होता है वह वर्तिकाग्र से चिपकता है, फिर पराग नली के द्वारा कहाँ आता है, अंडाशय। अंडाशय में उसका क्या होता है, निषेचन क्रिया। क्या क्रिया होता है, निषेचन। तो इसमें जब जयांग, क्या होता है, जयांग और पुमंग आपस में मिलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन, निषेचन। इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो यही जो होता है फिर बनता है आपका फल। क्या बनता है, फल। फल में क्या बनता है, बीज। तो ये ऐसा होता है फूल में प्रजनन, और ये हो गया पुष्प का अंग।